कैलकुलेशन ऑफ कार्बन हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेशन ऑफ कार्बन हाइब्रिडाइजेशन। हाँ जी, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं सीधा। हाइब्रिडाइजेशन जो होती है कार्बन की, वो तीन हो सकती है। आइदर इट कैन बी एसपी, या वो क्या हो सकती है sp2, या क्या हो सकती है sp3। अब ये sp2 sp3 इस सब का मतलब ब्रॉडली देखो, बहुत डीप में हाइब्रिडाइजेशन में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसका मतलब होता है मल्टीपल ऑर्बिटल मिक्स करते हैं। जैसे sp3 की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है, एक s ऑर्बिटल और बाकी तीन क्या होते हैं पी। हाँ, एक एस और तीन पी, ये आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और मिक्स होने के बाद अपने को हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहां पे अगर सीधा ट्रिक की बात करें, डायरेक्ट काम करते हैं कि भाई कैसे होगा, तो यहां पे जैसे इस कार्बन को आपने देखा, तो इस कार्बन के आसपास देखो क्या कोई पाई बॉन्ड है। अगर आपने देखा यहां पे इसके आसपास, यानी जितने भी बॉन्ड इसने बनाए हैं उसमें सारे के सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड, कोई भी पाई बॉन्ड यहां नहीं है। पाई बॉन्ड कौन सा होता है, डबल एंड ट्रिपल। डबल बॉन्ड में कितना पाई बॉन्ड होता है, एक। ट्रिपल में कितने होते हैं, दो। बस ये बेसिक पता होना चाहिए। तो भाई यहां पे इसके आसपास कुछ भी नहीं है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। अब इसके बाद अगले कार्बन की बात करते हैं, ये वाला कार्बन। अब देखो इस कार्बन के आसपास अगर आपको माहौल देखना है तो आप सर्कल लगा लो, एक तरीका होता है बेसिक्स में अगर बात करें, सर्कल लगा के आपको दिख जाता है कि इसके आसपास माहौल क्या है। तो भाई इसके आसपास कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं, बोलो दो। कितने आ रहे, दो आ रहे हैं, तो यहां पे sp होगा, क्या होगा, sp। ठीक है, अब यहां पे इस कार्बन के आसपास दो आ रहे हैं तो क्या होगा, sp। इसके बाद यहां पे देखो कितना आ रहा है, एक आ रहा है, तो क्या होगा, sp2। बस अब यहां पे देखो इस कार्बन के आसपास कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं तो क्या होगा, sp। इसके बाद यहां पे देखो इसके आसपास कितना आ रहा है, एक आ रहा है तो क्या होगा, sp2। बस हो गया खेल। तो यानी सिंपल डायरेक्ट ट्रिक है, वैसे तो खैर पूरा कैलकुलेशन का तरीका होता है कि सेंट्रल एटम के आसपास अपने को सिग्मा बॉन्ड चेक करने हैं, पर लेकिन मैं सिंपल कार्बन में डायरेक्ट बता देता हूं कि कार्बन के आसपास अगर जीरो पाई बॉन्ड है तो sp3, अगर एक पाई बॉन्ड है तो sp2, अगर दो है तो sp। लिख लो डायरेक्टली इस चीज को, सीधा काम हो जाएगा। लिख लो जीरो पाई बॉन्ड, सिंपल जीरो पाई बॉन्ड, ऊपर पाई बॉन्ड लिख लेना, पाई बॉन्ड के पास जीरो है तो sp3, वन पाई बॉन्ड है तो छोटा सा टेबल सा बन जाएगा, वन पाई बॉन्ड है तो sp2, वन पाई बॉन्ड है तो sp2, दो पाई बॉन्ड है तो sp। बस सिंपल, खेल खत्म, फिनिश। कोई भी क्वेश्चन तहस नहस कर देंगे हम इस चीज से, दिक्कत ही नहीं है, है ना। इसमें अपने को पता क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में तो फिर भी सारे हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो इसमें दूसरे जो जेन्युइन तरीका होता है, विदाउट ट्रिक भी कर सकते हैं, पर ठीक है अभी ट्रिक की बात करेंगे, क्योंकि देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे वर्क करती, क्या करते, वो तो डिटेल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, तो वो तो ठीक है, वो तो होगी, तो उसमें अपन क्यों जाएं, अभी तो अपन जो ऑर्गेनिक से रिलेवेंट है वो बात कर लेते हैं। अब जैसे हमारे पास ये है, ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है ये वाला, हाँ भाई इसका नाम जानते हो क्या, कोई जानता है इसका कॉमन नेम, क्या बोलते हैं इसको, एनीवन। इसका जो नाम है वो कोटा के लाइक काफी रेनाउंड कोचिंग जो है, मतलब ATP स्टार के अलावा, हाँ इसका नाम है एलीन, उससे रिलेटेड है एलीन, इसका नाम है एलीन, जिसमें दो पाई बॉन्ड क्या आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, काफी फेमस मॉलिक्यूल है एलीन। एलीन में जल्दी से, अब देखो ये कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, हाँ भाई सभी सामने देखो, या बोलो ये कार्बन जो है इसका क्या आएगा, sp2, बोलो क्या आएगा, ये इसका क्या आएगा और इसका क्या आएगा, बस। तो एक क्वेश्चन आया था एक बार, ये क्वेश्चन आया था कि भाई C3H4 दिया था, एलिन का स्ट्रक्चर नहीं दिया था, स्ट्रक्चर देने के बाद तो बहुत आसान हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर देने से पहले कि भाई ये एलिन है C3H4 है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन्स आर रिस्पेक्टिवली कौन कौन सी है, sp एंड sp2, sp2 एंड sp3, इस तरह से क्वेश्चन आया था। अब आपको लग रहा होगा इतना मजाक, लेकिन क्या है कि कईयों को स्ट्रक्चर नहीं पता होगा ना, स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो वो वाली बात है।
तो ये हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं जल्दी से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें आपको हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, चेक करना है ना, ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए साथ साथ, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, मतलब क्लियरली बनता है। ये डॉट, ये माथे की बिंदिया है। अरे ये क्या है, ये कार्बन है। मतलब ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जब लगातार दो पाई बॉन्ड है ना, तो यानी उसके बीच में एक डॉट है, तो मतलब वो कार्बन है। ये पर्टिकुलरली इस पे फोकस क्यों कराया गया है, क्योंकि जो एक हमने जैसे बताया था ना आपके लिए कि प्रॉपर एनालिसिस किया हम लोगों ने, कि जो लास्ट के 3 साल के पेपर हैं, जो भी जेई के जो भी करंटली हुए हैं, उनको तो देखा ही है। देखो एडवांस में कोई डायरेक्ट पैटर्न नहीं है। एडवांस की अगर बात करें तो उसके अंदर तो क्या है, मिक्स्ड क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरह के आते हैं, वो तो अलग ही चीज़ है, वो तो उसके लिए कैपेबिलिटीज बाद में आती है। लेकिन अगर जेई मेन की बात करें तो उसमें इससे क्वेश्चन कई सारे आए हैं। ये सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें दिया हुआ था इस तरीके से कि भाई ये ए है, ये कार्बन, ये बी है और ये सी है, बताओ ए बी और सी का हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑप्शन दे रखे थे sp2 sp2 sp3 एंड सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम अपनी प्रिपरेशन को फोकस्ड रखते हैं ना, हम ऐसे मैजिकल रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब मैजिक होता है। और ये मान लो, मतलब मैं क्लियरली आपको बताना चाहूंगा कि एटीपी स्टार बनाया इसलिए है, फोकस्ड अप्रोच। क्योंकि यार ये बताओ, मतलब मैं खुद भी एक कोचिंग में पढ़ता था कभी, और सब कुछ था ही, तो हमको क्या एक नया करने का क्या था? सिर्फ पैसा तो मोटिवेशन होता नहीं, सिर्फ वो नहीं होता, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। आप थोड़ा टाइम काम कर लोगे पर लगातार मेहनत नहीं कर सकते, सालों साल लगते। तो क्यों? तो फंडामेंटल पर्पज यही था कि बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा समय मैंने देखा, हमारा टाइम वेस्ट हो जा रहा है और जो काम की चीज़ है उस पर फोकस नहीं किया जा रहा, बहुत सारा कराया जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो समय है, जैसे मान लो हमारे पास 100 आवर्स है, 100 आवर्स में से मान लो अपन ने 40 घंटे वेस्ट कर दिए, या 40 घंटे उन चीज़ों पर लगा दिए जिनमें क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, तो भाई फिर तो आपका टाइम वेस्ट हो गया ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपका पढ़ाई हर सब्जेक्ट में आपकी अप्रोच, वैसे तो हमने हर टीचर को बोल रखा है क्लियरली कि भाई पूरी फोकस्ड अप्रोच रहनी चाहिए, और आई थिंक होगी भी, है ना। लेकिन बात यह है कि आपकी खुद की भी फोकस रहनी चाहिए, जैसे अपन ये कर रहे हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि इससे क्वेश्चन देखा गया है डायरेक्टली, ठीक है ना। हाँ 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 वही तो ये है। देखो पूरा अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक हर सब्जेक्ट में वी आर डूइंग समथिंग लाइक दिस। आपको मैं शेयर करूंगा कि ये हमने टाइप बना रखे हैं। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें टाइप 1 है, टाइप 2 है। ये आपके लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए है, है ना। अच्छा चाहिए तुम्हें? नहीं 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 ऐसे नहीं बेटा, ऐसे है ना। तो इसमें पूरा कैटेगराइज है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, और पूरा पैटर्न है इसमें। इसमें दिख रहा है कि भाई, तो पढ़ाना इसी पे निर्भर है। इसमें हमें दिख रहा है कि भाई क्वेश्चन जो आए हुए हैं आईपीएससी में, आईपीएससी नेमिंग में, या तो वो एल्कीन एल्काइन के आए हैं, या वो पॉली फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ना अपने, 2-3 आ गए, 2 या 3 मैक्स उसके क्वेश्चन आता है, या एरोमेटिक की नेमिंग आती है। तो ये बताओ, अपन इसी पर फोकस करेंगे ना पूरा। सिमिलरली ये जो हाइब्रिडाइजेशन वाली अगर बात करें, डिग्री से कोई क्वेश्चन नहीं है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से भी डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन है। ये 2021 में ही 2 आ रखे, ये 26 फरवरी को और फिर मार्च में आ रखा है। तो हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। ये एलीन में ही एक कार्बन, एक CH3 और लगा दिया, ये क्वेश्चन आ रखा है। और ये वाला इसी में बस थोड़ा सा चेंज था, अगर हम देखें तो दिख रहा है आपको सेकेंड क्वेश्चन, है ना, ये लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो आप समझ रहे हो ना कि अप्रोच आपके लिए बहुत सोच समझ के अपन ने डिसाइड कर रखी है, ताकि आपकी पूरी तैयारी फोकस्ड रहेगी। बस जो कहा जाए बस वो करते रहो,
लिटरली बता रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं था कि बच्चा इतना इम्प्रूव कर सकता है, बट देर आर मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने सही में काफ़ी अच्छी परसेंटाइल इम्प्रूव की है। अभी एडवांस में क्या होगा अभी तो पता लगेगा, पर एक स्टूडेंट था और उसका जो एग्ज़ाम था उसकी 67 परसेंटाइल तक थी, उसका तो मेरे को प्रॉपर पर्सनल एग्जाम्पल देखा मैंने, और 67 से 99 तो नहीं पहुँचा वो, 97.58 पहुँच गया वो बच्चा 67 से। हर सब्जेक्ट में उसने डिसेंट इम्प्रूव किया, काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया। तो यानी बच्चे कर सकते हैं, करते हैं, होता है। तो बस वो आरबीसी बैच में था, जो आरबीसी एक क्रैश कोर्स होता है ना हमारा, रैंक बूस्टिंग कोर्स, सुना होगा शायद आपने, तो उसका था वो स्टूडेंट। ओके, तो चलो जी इसको कर लेते हैं अपन जल्दी से, आओ, है ना। ये होते ही एक क्वेश्चन अगर आया तो ये पक्का हो गया, ऐसे ही पक्के करते चलेंगे क्वेश्चन। और पता है जब अपने को फील आ जाती है ना कि हाँ यार ये क्वेश्चन आया तो मैं निपटा दूंगा, सही कर दूंगा, तो धीरे धीरे अपने को फील आ जाती है कि हाँ यार जो 75 क्वेश्चंस अगर एक बार चॉइस को हटा दें तो 75 में से अपने को एक एक क्वेश्चन जब होता हुआ दिखना शुरू होता है, बस कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं पूरा ऐसे ही मुझे फील आती थी, मतलब मैं अपना बताऊं तो मुझे, मैं ऐसे ही देखता था कि यार इतने क्वेश्चन आएंगे और इतने क्वेश्चन में से अब मेरे इतने क्वेश्चन तो पक्के ठीक है, फिर इतने ठीक है जिन पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि गलत हो ही नहीं सकता, बस फिर तो कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाता है। ऐसे ही होगा, ऐसे ही करते जाओ, एक एक क्वेश्चन पक्का करते जाओ हर सब्जेक्ट का कि यार इससे एक क्वेश्चन आता है, इस टाइप का आता है और ये मेरे को बिल्कुल बढ़िया से आता है, बस इट्स सिंपल। बाकी सब धारणाएं मेरे पर, क्या परसेंटाइल था, क्या था क्या नहीं था, फाड़ में जाए, छोड़ो उस चीज को। आओ बेंजीन की बात करते हैं। बेंजीन में ये बताओ, ये जो पर्टिकुलर कार्बन अगर हम देखें, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे के सारे क्या होगा, हाँ सारे के सारे क्या होंगे, SP2। और तरीका मैंने बताया ना, आप गोला लगा दो, मैं तो ऐसे ही करता था जब वाला पहले एज अ स्टूडेंट, टीचर में तो डायरेक्टली दिख जाता है, लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं ऐसे लगाता था, इतना अच्छा, एक एक पाइप बॉन्ड को कट किया इसने, यानी ये इसका था, ये किया एक पाइप बॉन्ड कट किया, यहाँ पे इसने एक को कट किया, एक को कट किया, जहाँ जहाँ एक को कट किया इसका मतलब क्या हो गया, SP2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये इसने कितने को कट किया, एक को, क्या हुआ ये SP2, ये वाला SP2, ऐसे ऐसे बना लो, है ना। अब देखो ये कार्बन को मत भूलना, ये को मत भूलना, क्योंकि लीनियर है ना, तो लीनियर है तो यहाँ पे कई स्टूडेंट इस कार्बन को भूल ही जाते हैं, अरे भाई ये सिंगल बॉन्ड है तो इसके बाद बीच में कुछ तो रहा होगा, तभी तो ट्रिपल आया, है ना। तो यहाँ पे ये क्या होगा, SP, ये भी क्या होगा, SP, है ना। अच्छा इसका बताओ भाई, सभी लोग SP2 बोलो सभी, यहाँ पे इसका क्या होगा, SP होगा, ठीक है, SP होगा, जो दो पाई बॉन्ड है ना, यहाँ पे क्या है, SP2, और ये वाला क्या है, SP3, सही है। अच्छा अगले वाला, अगले वाले की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे सारे के जो है ना, ये एक्सेप्ट दिस, क्या है, SP2, सारे के सारे SP2 हैं। ऊपर वाला जो CH3 है वो क्या है, SP3, वो कार्बन SP3 है। ओके, इसमें सारे नहीं बता रहे अपन, यही बता रहे हैं, वैसे सारे बता भी दो कोई दिक्कत नहीं है हाँ भाई ये वाले सारे क्या होंगे, SP2, सारे के सारे क्या है, क्लियर है ना सभी को, यहाँ पे क्या होगा, SP2, और यहाँ पे बस SP2 की दुकान लगा रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे SP2, 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 चलो जी ये हो गया, डन हो गया।